हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि डिलीवरी हो गया है और बेबी आ गई है। और मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने छोटे छोटे कुछ वीडियो क्लिप्स निकाले हैं। मैं 4 दिन हॉस्पिटल में मैंने स्टे किया है, तो वो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। और मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपने इतने सारे बेस्ट विशेस भेजे, इतना सारा प्रेयर्स किया मेरे लिए, तो आप लोगों को दिल से शुक्रिया। और तो मैं भी वीडियो क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। मेरा सी सेक्शन प्लान हुआ था 28 को, बट उससे पहले ही वाटर ब्रेक होने की वजह से मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा था। तो मुझे यहाँ लेबर रूम में डाल दिया गया था और यहाँ पे बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर करने को बोला गया था। इन लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि मेरी डॉक्टर जो थी वो अवेलेबल नहीं थी इस टाइम पे। तो यहाँ बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर किया जा रहा था कंटिन्यूसली। और उसके बाद मैं गई थी करीब 2 बजे रात में, और मेरा ऑपरेशन हो गया सुबह 6:30 को। और एनेस्थीसिया की वजह से मेरी हालत बहुत बुरी हो रखी थी। मैं आपको पता ही होगा, पैर वैर मूव नहीं कर सकते 12 आवर्स तक। तो काफ़ी पेन में भी थी मैं, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। बट बेबी को देखने के बाद सारा पेन मेरा दूर हो गया। वो मोमेंट ही अलग होता है जब अपनी बच्ची को आप देखते हो। तो ये है मेरी बेबी, माशाल्लाह। उसके बाद मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, और मेरे हस्बैंड मुझे फीड कर रहे थे, वो मुझे खिला रहे थे। और मुझे खाने के लिए क्लियर सूप दिया गया था, और जैम दिया गया था, और एप्पल जूस, क्योंकि अगर मैं ये डाइजेस्ट कर पाती हूँ तो ही मुझे नॉर्मल डाइट मेरा शुरू किया जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला। अगर मैंने डाइजेस्ट नहीं किया तो फिर ये सभी कंटिन्यू करते वो लोग। बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे डाइजेशन में, सब कुछ अच्छे से हो गया। और यहाँ अलीना अपनी बेबी सिस्टर से फर्स्ट टाइम मिल रही है और बहुत बहुत खुश है वो। इस दिन का उसने बहुत इंतज़ार किया है, और उसे एक सिस्टर चाहिए थी। बहुत टाइम से बोल रही थी कि सबके पास सिस्टर है, मेरे पास सिस्टर ब्रदर होते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। तो फाइनली उसे उसकी सिस्टर मिल गई है, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसका सर सहला रही है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खेल रही है उसके साथ। बहुत ही प्यारा मोमेंट है ये। और ये सेकेंड डे है, मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी मिमिक्री कर रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। अभी मेरा खाना आ गया है, ये देख लीजिए मेरा खाना। ये टाइम अच्छा नहीं है कॉमेडी करने का, हंसाने का। हाँ, आ जाओ खा लेंगे खाने को। बिरयानी, चिकन बिरयानी है ये। पास्ता, टूना पास्ता ना, टूना पास्ता। इसमें क्या है? ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी बिरयानी की चीज़। और ये क्या है? स्मूदी है। माइल्ड है, लेकिन अच्छा है, माइल्ड है। हाय मिशु, मिशु, मिशु। और यहाँ बेबी को नहलाने की तैयारी चल रही है, और मैंने कभी देखा नहीं बच्चे को कैसे नहलाते हैं। अब इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से केयरफुली देख रही हूँ, ताकि घर आकर मैं उससे अच्छे से बात दे सकूँ। तो नर्स ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया भी कि किस तरह से बच्चे को बात देना है। पहले बच्चे को स्वाटल करना है, उसके बाद उसका पहले हेड धो लेना है और हेड को वाइप कर लेना है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो जैसे ही आप हेड वॉश करते हो, हेयर वॉश करने के बाद उसे अच्छे से वाइप कर देना है, और उसके बाद उसके बॉडी पर साबुन वाबुन लगाने के बाद फिर धोना है, क्योंकि सर में ठंडा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और बहुत क्विक बात देना होता है बेबी को, नर्स ने मुझे बताया। बहुत टाइम तक आप ऐसे पानी में, हवा में छोड़ नहीं सकते। तो तो मेरी बेबी तो ऑलमोस्ट फीवर कर रही थी नहाने के बाद, बट नर्स ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और मुझे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए उन्होंने क्या करना है। ये सारे वीडियो क्लिप्स मैंने मेमोरीज़ के लिए निकाल के रखा है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो खुद को देखेगी तो कितना अच्छा फील होगा इसे, और बहुत ही मतलब अलग सा फीलिंग है ये जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं तो बहुत खुश थी, मुझे दर्द में भी मुझे मतलब ऐसी खुशी मिल रही थी मैं बता नहीं सकती। पेन तो हो रहा था, पेन किलर ले रही थी फिर भी प्रॉब्लम हो रहा था, बट इसे देखने के बाद सारा दर्द दूर हो गया मेरा। और फिर नर्स ने मुझे बताया कि स्वैडल कैसे किया जाता है बेबी को, उनका हाथ पाँव को रिलैक्स करना पड़ता है तब जाकर वो सोते हैं, नींद अच्छी आती है उन्हें। तो इस तरह से स्वैडल करना भी सिखाया, बट मुझे मेरी बेबी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी स्वैडल में। आप देख सकते हैं उसका फेस, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्वैडल करने के बाद एकदम से उसे नींद आ गई और वो सो गई। और अभी ये पिक्चर निकाल रही है उसका, क्या पापा भी पिक्चर ले रही है अपने मोबाइल से पिक्चर ले रही है। ओह वाह, कितना अच्छा फ़ोटो लिए बाबू। क्या करोगी अभी फ़ोटो का? उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाओगी? यहाँ घर जाने से पहले बेबी का स्क्रीनिंग किया जाता है, तो जॉन्डिस वगैरह है यानी बेबी को वो चेक किया जाता है, फीवर चेक किया जाता है। तो ये सब चेक होने के बाद फिर उसका हियरिंग टेस्ट भी हुआ, वो कुछ ऐसे वायर्स लगा के सर पे शोल्डर पे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कान में ऐसा लगा हुआ है। तो सारा टेस्ट होने के बाद उसे उसका ब्लड भी लिया गया किसी टेस्ट के लिए, क्या कहते हैं मैं नाम भूल गई, और ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी टेस्ट ब्लड लिया गया। और फिर इसे वैक्सीन भी लगा, BCG टीका लगा, हेपेटाइटिस भी लगा। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेबी काफ़ी पेन में थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था वो सब शूट करने का। और ये सब होने के बाद वो रो रो कर इतनी टायर्ड हो गई कि वो वहीं सो गई। फिर हम नर्सरी से अपने रूम में आ गए। काफ़ी पेन में थी, इतना सारा इंजेक्शन एक दिन में उसे लग गया, मुझे खुद रोना आ रहा था उसे देख देख कर। बहुत ही पेनफुल होता है ऐसे अपने बच्चे को देखना, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगे जा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट क्या कर सकते हैं। वैक्सीन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो चल भी नहीं पा रही थी, तो मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे जो स्टमक के पास जो मसल्स है बहुत वीक फील कर रही हूँ मैं, चलने को भी नहीं होता मुझसे। तो उन्होंने ये एब्डोमिनल सपोर्ट मुझे दिया, बोला चलना हो तो ये लगा कर चलो तो आराम मिलेगा। तो मुझे हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड किया गया था और काफ़ी आराम भी मिला मुझे ये पहनने के बाद। और ये लास्ट डे है हॉस्पिटल का, आज 12 बजे हमें यहाँ से निकलना है। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट आया है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद पैकिंग करना था, और ये कुछ गिफ्ट्स मिले थे हॉस्पिटल की तरफ से। ये कुछ डाइपर्स है और ये नैपी रैश क्रीम है, और कुछ सैनिटाइज़र दिया गया है। वेट वाइप्स ये सब। और यहाँ एक गुडी बैग दिया गया है, उसके अंदर है थर्मोमीटर, बट ये थर्मोमीटर काम नहीं आने वाला बेबी को, क्योंकि बेबी के लिए क्विक थर्मोमीटर चाहिए जो ईज़िली फीवर रीड कर सके। और ये टावल नहीं ब्लैंकेट है एक्चुअली ये, और कुछ शैम्पूज़ एंड सोप है इसमें। तो ये सब दिया गया हॉस्पिटल में। तो आज हॉस्पिटल का लास्ट डे है, आज हमें जाना है, तो मैं आपको क्विक सा रूम टूर देती हूँ हॉस्पिटल का। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो नाश्ता हमने कर लिया है, और यहाँ पे मेरा बेड इस तरफ है और बगल में ही बेबी का क्रिब है। और यहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं। आपको बटन दबाते ही असिस्ट किया जाता है। हाउस कीपिंग हो, लॉन्ड्री, किचन सर्विसेज, कुछ भी आपको लेना है यहाँ से तो आप बटन दबाकर उन्हें बुला सकते हो। फिर वो आते हैं, फिर आपको जो चाहिए आप बता सकते हो उनको। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अच्छी है यहाँ पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड देखिए काफ़ी टायर्ड हो गए। कल उसे वैक्सीन लगा था बेबी को, तो रात भर उसने सोने नहीं दिया हम दोनों को। और आज हमें जाना है तो अभी सब पैकिंग वगैरह करना है, तो सारा सामान ऐसे ही फैला है अभी। और बेबी आराम से सो रही है, रात भर इसने नहीं सोया है और अभी सोना शुरू किया है इसने। और यहाँ पे जो विज़िटर्स आते हैं उनके बैठने के लिए सीट्स वगैरह दिया गया है, कुछ चेयर्स है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके साथ स्टे करते हैं रात में, हस्बैंड हो या रिलेटिव हो कोई भी, उनके लिए जगह प्रोवाइड किया गया है ताकि वो यहाँ पे सो सके, रिलैक्स कर सके। बट काफ़ी स्पेशियस नहीं है, मतलब बहुत छोटा सा सोफ़ा टाइप का है, उसमें सोना है आपको। और यहाँ पे मैंने जो कपड़ा पहनना है मैंने निकाल कर रखा है और ये सारा चीज़ें भी पैक करना है हमें। उसके बाद फटाफट हम घर के लिए निकल लेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखोगे तो मेरा नाम है, मेरा रूम नंबर, मेरी डॉक्टर का नाम, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस तरह से स्क्रीन पर दिखता है आपको। और ये ब्रेस्ट पम्प है, क्योंकि मेरा मिल्क फ़्लो बहुत ज़्यादा है तो बेबी हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो मैं इसे पम्प करके बॉटल में डाल के मैं उसे देती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बाथरूम दिखा दूँ। मेन गेट के ठीक पास में ही बाथरूम है, जो कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ हमने बेबी का कपड़ा डाला हुआ है, क्योंकि मैंने पूछा था कपड़ा सुखा देने के लिए तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल का कपड़ा ही सिर्फ वो ड्राई करते हैं, तो बेबी का कपड़ा हमने बाथरूम में ही डाल दिया। और ये नहाने का एरिया है, शावर एरिया है, ये छोटा सा ही है। तो ये है बाथरूम। और यहाँ पे कुछ जेल, शैम्पूज़, ये सब रखा हुआ है। और अब मैं घर जा रही हूँ, डिस्चार्ज हो गए हम हॉस्पिटल से। और अलीना काफ़ी एक्साइटेड है, कब से वेट कर रही है मम्मा कब आओगी। थोड़ा लेट हो गया निकलते निकलते। घर को डेकोरेट किया था बलून से, ये देखिए सारे तरफ बलून्स वगैरह लगाया गया है बेबी के आने की खुशी में। तो ये था मेरा सफ़र हॉस्पिटल से घर तक का। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।